हमारे साथ संपरम समाज सेवी बालाग्राम बौद्ध जी भी हैं। बालाग्राम बौद्ध जी, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी मस्जिद रोडों पे, चौराहों पे आती हैं, तो डीडीए को, सरकार को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। और ये जो रविदासी समाज का मंदिर था, ये बिल्कुल एकांत में था, सुनसान में था, जहाँ पे ना कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, ना कोई अभी कुछ निर्माण होने वाला है, उसके बावजूद भी इस मंदिर को क्यों तोड़ा गया वो बताएं। देखिए, जहाँ तक आप हमारे गुरु स्थान की बात कर रहे हैं, ये बात आपकी सही है कि देश में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, ज़्यादातर मंदिर सरकारी भूमि बने हुए हैं, पार्कों में बने हुए हैं, रोड पर बने हुए हैं, और उन मंदिरों को कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि उन मंदिरों में को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि उन मंदिर से लोक हित में एक अव्यवस्था होती है, ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, उससे ही परेशानी होती है, उसके बावजूद भी मंदिरों को ऐसे रखा जाता है। जहाँ तक आप देखें, हमारे जो तुगलकाबाद के गुरु स्थान की बात कर रहे हैं, इस भूमि की विकास प्राधिकरण कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है, उस भूमि से किसी कोई लोकहित में कोई व्यवधान भी नहीं हो रहा, उससे कोई वहाँ कोई रोड भी नहीं है, कोई ऐसी लोकहित की कोई प्लानिंग भी नहीं है, उसके बावजूद भी गुरु स्थल को डिस्टर्ब करना, ये एक सरकार की सोची समझी एक रणनीति है, षड्यंत्रकारी रणनीति है कि समाज में किसी तरह से बंटवारा किया जाए। जैसे कि समाज में ये भाभी की मैसेज दे रहा है कि गुरु संत रविदास तो गुरु मतलब रविदासी समाज के थे, जबकि मैं ये कहता हूँ कि वो रविदासी समाज के नहीं, वो पूरे मानवता के थे। इस देश में अगर आप देखो तो तथागत बुद्ध के बाद संतों में रविदास जी, कबीर, नानक, ठीक है, और ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, तो ये सब एक विचारधारा के एक चैन बनी हुई है, जिस जो कि पूरी एक पूरी मानवता कल्याण के लिए है। ठीक है, तो ये ठेस जो पहुंचाई गई है, ये रविदासी समाज में नहीं पहुंचाई गई है, ये ठेस एक पूरी मानवता में पहुंचाई गई है। इसके लिए सरकार को स्वतः ही संज्ञान लेके, सरकार को इस पर जो है ना अपना एक संज्ञान लेना चाहिए, और वो ज़मीन पुनः गुरु रविदास स्थल के लिए उसको निर्माण कर देना चाहिए। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आंदोलन की बात कह रहे हैं, आंदोलन के लिए जो स्थल तुगलकाबाद का है, उसी स्थल को वहाँ पे चिन्हित किया जाए और उस पर एक डेट फिक्स करके वहीं पे पुष्पांजलि का एक कार्यक्रम रखा जाए, उस पर पुष्पांजलि की जाए, क्योंकि हमें उन पे फोटो पे माला की जरूरत नहीं है, हमें विचार पे डालना है, हमें उस विचार को समाज तक ले जाना है, जिस विचार से समाज का कल्याण होना है। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।